आप सीनियर है, जूनियर को कुछ एडवाइस दीजिए। देखो जूनियर, अगर आप सही हो तो आप किसी का स्टैंड लो, कभी ये ना हो किसी के दबाव में आके कुछ भी करो, और अगर आप गलत हो तो बिल्कुल आप अपनी बात से झुको, अपोलोजाइज करो। थैंक यू मैम। खुशी मैम जी, क्या बोल, हाँ जूनियर्स, हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, आप जिस तरह हम लोग रिस्पेक्ट देंगे आप लोग भी उस तरह पाएंगे। हम बस यही चाहते हैं कि हम लोगों में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। ये अच्छा है, बस सही से रहिए, सम्मान करिए, आइए से रहिए, बस और इनकी तरह ड्रेस में आइए, इनकी तरह भी आप। हाँ मैं तो बस यही है कि स्टार्टिंग से मैथ है उसको करते रहना, लास्ट टाइम पे मैथ नहीं हो पाएगा। हाँ लास्ट टाइम में मैथ्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके पास थ्योरी का ऑप्शन है, यस, हाँ हाँ, जिसका जिसके पास पता है, ये नहीं कि अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, अकाउंटेंसी में भी, मैथ में भी, दोनों में। हाँ। अगर आप अच्छे से क्लासेस करो तो आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, आप किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। बताइए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एडवाइस देना है, उसके लिमिट में रहना चाहिए, सीनियर्स के लिमिट में। बोल देते हैं, वाह वाह, रिकॉर्ड हो चुका, जूनियर्स को मॉर्निंग करना चाहिए अपने सीनियर्स को, किसी का डर मत रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मीट अमृता मैम, साक्षी मैम, तो मैम बताइए कुछ। हाँ, तो बी सपोर्टिव नॉट जजमेंटल, आप लोग मतलब सपोर्ट करिए, ना कि जज करिए किसी को, जो चीज़ आप लोग को आ रहा है वो सिखाइए, ना कि कहिए कि आप इनको नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा वैसा जज मत करिए। जैसा कि आप लोग स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, स्कूल लाइफ में बहुत सारे बाउंडेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ एक ओपन लाइफ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम मस्ती ही करें, मस्ती के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, और बस यही कहेंगे और क्या। थैंक यू मैम, आप दोनों को। सचिन सर बताइए। देखिए, हॉस्टल में अगर आपने कभी रहा नहीं तो एक बार रह के देख लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे टाइम पे आपको उठना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा आपको, सुबह का नास्ता मिस हो सकता है, दोपहर में अगर टाइम से कॉलेज से आप हॉस्टल नहीं पहुँचे तो दोपहर खाना मिस हो सकता है, और खाना मिस हुआ तो फिर खाना मिलेगा नहीं, और बाहर खाएंगे पैसे खर्चे होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि हॉस्टल खाने से पेट भी नहीं भरता है, क्योंकि स्वाद नहीं रहता उसमें, तो बाहर तो खाना ही पड़ेगा, पैसे खर्चा होने ही है, प्लस रजिस्टर मेंटेन करके जाइए बाहर अंदर, बाहर जब भी आना जाना हो, और सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट बना के रखिए, नहीं तो आपको फ़ायदा भी होगा घाटा भी। थैंक यू सभी जूनियर्स के लिए, वेलकम, और अच्छे से है आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिस्पेक्ट कीजिए सबकी, अच्छे अच्छे फ़ोटो लीजिए, अच्छे अच्छी मेमोरी बनाइए जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, हर टीचर्स के साथ, टीचर्स इधर के बहुत सपोर्टिंग हैं, अगर आप टीचर्स के लिए कुछ भी मतलब सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट चाहिए, उनसे आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए, वो लोग तुरंत आपकी सब बातों को सुनेंगे और आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। मैम हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका गुप्ता। तो मेरा अब मेरे जूनियर्स के लिए सिर्फ यही सजेशन रहेगा कि अभी तो पहली बात तो ये कि वो थोड़े नर्वस होंगे, पहली बात तो क्योंकि वो स्कूल से ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आ रहे, तो उनको बहुत डर होगा कि हाँ यूनिवर्सिटी में क्या होगा, कैसे होगा, तो बस मेरे लिए यही सजेशन है कि पहली बात तो नर्वस भी होंगे आप, एक्साइटेड भी होंगे, तो नर्वस मत होइए, एक्साइटेड भी रहिए, और स्टार्टिंग से बैलेंस बना के रखिए स्टडीज़ में भी, मस्ती में भी, मेरा बस यही सजेशन रहेगा, और वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू ऑल, सो डोंट वरी, इट्स गोइंग going to be okay and just go with the flow. thank you ma'am. Hello juniors, pehli baat kisi ki bhi cheez ki tension lene ki zarurat nahi hai, just ma'am is already here. हाँ, मेमोरीज बनाते रहिए, क्योंकि यही टाइम होता है कॉलेज का जिसमें आप खुल के जी सकते हैं। हेलो जूनियर्स, यहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करिए और चिल करिए। थैंक यू मैम। फ्रेशर पार्टी में सब लोग इन्वॉल्व हो, बढ़िया बढ़िया रैंप वॉक करें। हेलो जूनियर्स, इट्स अंशिका द ब्लॉगर, द रिकॉर्डर ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग कॉलेज लाइफ, इन्जॉइंग का अभी तक तो प्रेशर ही होगा, दो तीन बार इंट्रोडक्शन, सीनियर्स आ रहे होंगे, सुपर सीनियर्स आ रहे होंगे, दैट्स फाइन, मतलब सॉरी दो तीन बार नहीं, पाँच छः बार, सात आठ बार तो ठीक है, इंट्रैक्शन भी ज़रूरी है, ऑल दो अभी तक हम खुद इंट्रैक्ट नहीं हुए आप लोगों से, बट आई विल कम ऑन मंडे, श्योरली आई विल कम, एंड आई थिंक ये वीडियो भी मंडे को अपलोड हो जाएगा, अगर मंडे को नहीं तो मंडे के शाम को या फिर ट्यूसडे को पक्का अपलोड हो जाएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यस, हमारे क्लासमेट्स ने आप लोग को एडवाइस दे ही चुके हैं काफ़ी, तो मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी सी है कि बी हु यू आर, डोंट चेंज योर सेल्फ,
आई मीन टू से कि जैसे आप जो हैं वही रहिए, आपको जो कहना है वो कहिए, आप जो सोचते हैं वो, ये खुद को अंडरस्टिमेट मत करिए. लाइक किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कोई रोज रोज कपड़ा चेंज करके आ रहा है, कोई बहुत कूल है, कोई बहुत फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहा है, दैट्स फाइन. इफ यू कांट डू दिस, इट्स ओके, इट्स ओके. जरूरी नहीं है कि आप भी कूल बने तभी अच्छे हैं आप. जरूरी नहीं है कि आप अगर इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोले तभी आप अच्छे हैं. जरूरी नहीं है ये. आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, यू आर परफेक्ट. हाँ, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, स्किल सीखिए, उसमें कुछ नहीं है. लेकिन इसके चक्कर में कि हमें नहीं आता पीछे रह जाइए, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है. जैसे मेरा ही प्रोनंसिएशन बहुत गंदा है, हम आप अगर नोटिस करेंगे तो हर जगह, कई जगह पाएंगे कि हम नहीं बोल पाते, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग. स्टेज फियर हमें काफ़ी है, इनफैक्ट जाते ही मेरा पूरा बॉडी कांपने लगता है. बट इसका मतलब ये नहीं होता ना कि जाएंगे ही नहीं हम. फेस करिए प्रॉब्लम्स को, बट ये जो होता है खुद को अंडरस्टिमेट करना, खुद को पीछे रखना कि अरे वो लोग तो बहुत कूल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जाइए, करिए, यू आर परफेक्ट. तो यस, एंड पढ़ाई के मामले में तो हमारे क्लासमेट्स आप लोग को बता ही चुके हैं कि जो भी है अच्छे से बता चुके हैं. मेरा एडवाइस सिर्फ इतना सा है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, ट्राई करिए खुद से बनाइए, क्योंकि ये जो क्लासेस में कॉपी करके नोट्स लिखना वो तो बस एक नाम का है नोट्स, और कभी कभी काम भी आ जाता है. जब आप खुद नहीं बनाए तो काम आएगा ही, बट ट्राई की करिए कि आप खुद से बनाइए. और ये जो चीज़ होता है कि पहली बात ये मत सोचिए, ये गलत फहमी मत रहिए कि पढ़ लेंगे, ये ऐसा कभी नहीं होने वाला. पढ़ लेंगे, वो लेंगे वाला कभी तो आता ही नहीं है. ट्राई करिए, रोज पढ़िए, रोज एक एक टॉपिक ख़त्म करते रहिए, मतलब करते रहिए, रोज करिए, क्योंकि कल कर लेंगे, लेंगे तक सेमेस्टर आ जाता है, फिर हम लोग वही सेमेस्टर में रोते हैं बैठ के. और ये स्कूल वाला नहीं है एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए. और बाकी तो ठीक है सब कुछ, मस्त मजा करिए, उसके बाद बैलेंस, बस थोड़ा वही पढ़ाई और सब कुछ करिए. आपका जो मन करता है, जिस चीज़ में आप आगे जाना चाहते हैं उस पर फोकस भी करिए, पढ़ाई भी करिए और चिल भी करिए. सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में. अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग कि हाँ भाई सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ सीख ही रहे हैं, सब कुछ इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है. तो ऑल द बेस्ट यू गाइज फॉर दिस न्यू जर्नी कह सकते हैं. तो यस, बाय बाय. अरे अरे एक मिनट, एक चीज़ छूट गया. तो हम ये कह रहे थे कि देखो कॉलेज में कई प्रकार के लोग मिलेंगे, प्रकार में कह सकते हैं कि मतलब सबसे इमोशनली अटैच नहीं होना है. काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ काम से काम रखते हैं, और आप भी काम से काम रखिए, दिल से दिल मत जोड़िए. तो बहुत हर्ट होता है बाद में ये फील होने के बाद कि अरे वो तो काम से थी, तो लगता है कि गंदा, कि नहीं वो तो मतलब ऐसा होता नहीं कि गंदा लगता है कि हाँ वो सामने वाला काम से बहुत मतलबी है, मतलबी थी, हम ऐसे थे, हम वैसे थे. तो ये सब पहले से ही दिमाग में रखिए कि सब लोग काम से काम रखते हैं, और जो अच्छे आपके साथ हैं उनके साथ अच्छे रहिए. लेकिन एक होता नहीं, सेकेंड थॉट माइंड में रखिए, सब मतलबी है. बस दैट्स इट, बाय, फाइनल बाय. मैं सिंगल रहिए, खुश रहिए.